साथ नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात का चुनाव आ ही चुका है और गुजरात चुनाव से पहले तमाम पार्टियां यहां ताकत झोंकती नजर आ रही, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो, तमाम पार्टियां ताकत झोंक रही हैं, तो तमाम पार्टियां प्रचार भी कर रही हैं। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री यहां गुजरात में हो चुकी है और कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहां पर प्रचार करने की आ सकती हैं और साथ में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम नेता, युवा नेता यहाँ मौजूद होने वाले हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वक्त में कांग्रेस के साथ काम करते थे, लेकिन पद के लालच में यहाँ भाजपा का दामन थामते नजर आए थे और अब ये देखिएगा कि गुजरात की जमीन पर सिंधिया और प्रियंका गांधी आमने सामने नजर आएंगे, क्योंकि एक वक्त था जब राहुल गांधी सिंधिया और प्रियंका गांधी की दोस्ती के चर्चे थे। इन तीनों की दोस्ती तिगड़म दोस्ती का इतना नाम था, लेकिन जब भाजपा में शामिल हुए सिंधिया तब यहाँ बगावत कर गए दोस्ती में भी और पार्टी में भी। क्या ये बगावती नेता प्रियंका गांधी से नजर मिला पाएगा, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि गुजरात के चुनाव भाजपा के लिए अहम है, उतना ही अहम जितना कांग्रेस के लिए एक वक्त पर पंजाब था। लेकिन यहाँ पर पंजाब कांग्रेस के हाथ से निकल गया, क्या इस बार भाजपा के हाथ से गुजरात निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर अगर भाजपा के हाथ से कांग्रेस गुजरात निकला तो सीधा ये जो तीर छुड़ेगा वो 2024 के चुनाव पर लगेगा जाके। यहाँ गुजरात के चुनाव से तय हो जाएगा कि अगली बार भी क्या देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी ही बैठेंगे या फिर कोई और, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।